हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड ईयर के जूलॉजी का थर्ड पेपर का अपना चैप्टर लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जीवाणु में प्रजनन। इसमें हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। बैक्टीरिया जो कि सबसे सिंपल, स्मॉलेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल सूक्ष्म जीव है और डिस्कवर्ड बाय एंटोनी लेवेनहॉक। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इनको अपन जगत मोनेरा के अंतर्गत रखते हैं। तीन प्रकार इनमें प्रजनन है, कायिक प्रजनन, लैंगिक और लैंगिक। जो कायिक प्रजनन है उसमें पहला है बडिंग या मुकुलन, जिसके अंतर्गत जो पेरेंट पैतृक जो बैक्टीरिया उनकी बॉडी से जो आउटग्रोथ बनती है जिनको अपन बड कहते हैं, वो डेवलप होती है और उस बड में जो कोशिका द्रव्य है और जो जीनोम के अंदर के जो पदार्थ हैं, अनुवंशिक पदार्थ, वो रेप्लिकेट होकर उसमें चले जाते हैं। उसके बाद में ये जो बड है वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और एक नए बैक्टीरिया का निर्माण करती है। इसमें हम जो देख रहे हैं टॉप पे, ये सब बड है जो बाद में इस पेरेंट से अलग होकर के नए बैक्टीरिया का निर्माण करती हैं। फ्रेगमेंटेशन या खंडन, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं उसमें प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद में इसमें फ्रेगमेंटेशन या खंडन होता है, जिसके अंतर्गत माइन्यूट बॉडी, सूक्ष्म काय बनती है छोटी, गोनिडिया कहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो प्रत्येक गोनिडियम एक नए बैक्टीरिया को का निर्माण कर देता है। अगला है बाइनरी फिशन या विखंडन द्विखंडन। इसमें एक बैक्टीरिया सेल से दो बैक्टीरियल सेल्स का निर्माण होता है और इनमें क्रोमोजोम रेप्लिकेट होकर के प्रत्येक कोशिका में इक्वली चले जाते हैं। उसके बाद है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ये अलैंगिक जनन का प्रकार है। एंडोस्पोर या अंत्य बीजाणु, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है बेसिलस एंड क्लॉस्ट्रिडियम उनमें बनते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन, जब बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति होती है तब इनमें अंत्य बीजाणु निर्माण होता है और कोशिका के भीतर ये बनते हैं। इसकी प्रोसेस में जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्रोमोजोम के चारों ओर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और इसके इसके ऊपर हार्ड रेसिस्टेंट वॉल का निर्माण होता है, बीजाणु चोल बनता है जो बहुत कठोर होता है और यही इसको भौतिक और रासायनिक कारकों के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। और जब परिस्थितियाँ अनुकूल परिस्थितियाँ होती है तो भी बीजाणु चोल जो फट जाता है और जीवाणु जो अंदर होते हैं वो कोशिका से बाहर निकल आती है जीवाणु कोशिका, और जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं उनसे इसका बचाव होता है। तो एक इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रजनन है एंडोस्पोर या अंत्य बीजाणु का निर्माण। उसके बाद में है कोनिडिया। कुछ जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोमाइसीज है वो तंतुमय होते हैं और इन फिलामेंट्स में अनुप्रस्थ भित्तियां बनने के कारण ये अनेक भागों में बढ़ जाते हैं और प्रत्येक भाग एक कोनिडियम बनाता है। बाद है स्पोरेंज स्पोर्स, जैसे प्लांटोस्पोर है, राइजोबियम जो है उनमें स्पोरेंज स्पोर्स का निर्माण होता है जो नए बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। ये भी तीन प्रकार का है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन, रूपांतरण, संयुग्मन और पारक्रमण। ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण, सबसे पहले ग्रिफिथ के द्वारा इसकी स्टडी की गई डिप्लोकोकस निमोनिया में। ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण के अंतर्गत जो डीएनए है वो डोनर सेल से रेसिपिएंट जो सेल्स होती है उसमें जाता है और उसमें चेंजेस ला देता है। जैसे जो संपुटिका युक्त जो जीवाणु है, जैसे निमोकोकस जीवाणु है, उसका यदि डीएनए जो संपुटिका विहीन जीवाणु उसमें प्रवेश करेगा तो उसमें चेंजेस आएंगे और वो संपुटिका उसमें निर्माण हो जाता है, जिसमें संपुटिका विहीन जीवाणु है उसमें संपुटिका निर्माण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो डोनर डीएनए था, डोनर बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो उसमें उसके डीएनए में चेंजेस ला देता है ग्राही जीवाणु में और वो रूपांतरित होकर के संपुटिक जीवाणु की भांति निमोनिया का रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण कहलाती है, यानी डोनर सेल्स जो बैक्टीरिया सेल उसके डीएनए ने जो ग्राही सेल्स उसकी में चेंजेस ला दिए हैं, दैट इज रूपांतरण। संयुग्मन या कॉन्जुगेशन है, इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय लेडरबर्ग और टेटम के द्वारा ई कोली बैक्टीरियम, इसका इसको रिपोर्ट किया गया। इसमें सेल टू सेल यूनियन अकर्स, इसमें सेल टू सेल में आपस में एक
कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है दो बैक्टीरियल सेल्स में, उसको जो के थ्रू जो एफ फैक्टर है, ठीक है, एफ फैक्टर जो है वो जो ग्राही कोशिका है, एफ माइनस फैक्टर जिसमें ग्राही कोशिका उसके अंतर्गत जाकर के, और जो इसका न्यूक्लियस वगैरह जो भी है जिन्हों मानवीय पदार्थ है उसमें रूपांतरण ला देता है। तो सेल टू सेल यूनियन अकर्स बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल्स एंड जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो वन बैक्टीरियल सेल्स गोज टू अनदर सेल थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब, जो कि किसके द्वारा निर्मित होती है, सेक्स प्लाई के द्वारा कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है। और जो रेसिपिएंट सेल है वो इसका जो डुप्लीकेट जीन्स है वो इसको प्राप्त करती है, और ये भी फिर इसमें भी जो अनौषिक पदार्थ है ये हम देख रहे हैं इससे जुड़ जाता है, और इसके अनौषिक पदार्थ में रूपा चेंजेस आ जाते हैं। दैट इज ये जो प्रोसेस कहलाती है वो है संयुग्मन या कॉन्जुगेशन। और तीसरा जो है वो ट्रांसडक्शन या रूपांतरण, ये इसकी खोज की गई जिंडर और लेडरबर्ग के द्वारा साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसमें की गई। इसमें क्या होता है, जैसे जो जेनेटिक मटेरियल है वन बैक्टीरियल सेल का वो दूसरी बैक्टीरियल सेल में किसी बैक्टीरियोफेज के द्वारा चेंज लाता है, ठीक है, जब किसी बैक्टीरियल सेल पर जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, तो जो बैक्टीरियोफेज का जो वायरस का जो है, बैक्टीरियोफेज का वायरस है, तो उसका जो अनौषिक पदार्थ है वो इस डीएनए को डिग्रेड करता है, होस्ट डीएनए इसके साथ में जुड़ जाएगा, और उसके बाद में इसके साथ में वायरस जो एक साथ में इसका डीएनए जुड़ गया है वो डीएनए फिर किसी अन्य जो बैक्टीरियल सेल होती है उसको जब इन्फेक्ट करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, तो इसका जो बैक्टीरिया इसके साथ में था, ठीक है, इस बैक्टीरिया का जो डीएनए साथ में था वो दूसरी जो बैक्टीरियल सेल है उसके डीएनए के साथ में जुड़ जाता है, और इसमें भी अनुवांशिक चेंजेस आ जाते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज के थ्रू जो चेंजेस आ रहे हैं वो जो प्रक्रिया है प्रजनन है वो कहलाएगा ट्रांसडक्शन या पारक्रमण, ठीक है। तो तीन प्रकार का इसमें लैंगिक प्रजनन है, रूपांतरण और संयुग्मन, और तीसरा है पारक्रमण। तो ये थी जीवाणुओं में प्रजनन की अलग अलग विधियां। थैंक यू।